हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल योगी रवि। आज इस वीडियो में इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। कैसे हम पहचानेंगे कि इरेशनल नंबर कौन है, इरेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं, इरेशनल नंबर को देखते ही हम लोग पहचान लेना चाहिए, इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। चाहे वो कहीं भी छिपा हो तब भी हम उसको देखेंगे दूर से, तभी हम पहचान लेंगे कि इरेशनल नंबर ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आइए इस वीडियो में हम इरेशनल नंबर के बारे में ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। देखिए, इरेशनल नंबर एक वर्ड समझिए, इरेशनल नंबर। एक तो हम लोग सिर्फ जानते हैं कि इरेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, चाहे रैशनल नंबर जो नहीं होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। भाई ये तो इस डिफिनेशन तो हम लोग इरेशनल नंबर नहीं पहचान पाएंगे। ये तो सिर्फ किताबी भाषा हुई कि हाँ ये एक इरेशनल नंबर होता है, इसका ऐसा डिफिनेशन होता है। लेकिन पहचानने के लिए कुछ हमारे पास ट्रिक है, कुछ तरीके हैं। चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, पहला ये वर्ड से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल पहले बात देखिए, एक नंबर लिखे 0.10 1001 000 1 000 1 4 0 1 5 0। ये नंबर बताना, ये नंबर देखिए, एक पे पहले क्या था, एक जीरो था, फिर एक पे दो जीरो हो गया, एक पे तीन जीरो, एक पे चार जीरो, एक पे पाँच जीरो, फिर आगे क्या होगा, एक पे छः जीरो, एक पे सात जीरो। ये ना नंबर ना रिपीटिंग नंबर है, ना रिकरिंग नंबर है, ना ये नंबर रिपीट कर रहा है। फिर हम कैसे कह सकते हैं रिपीटिंग नंबर तो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, 1 0 1 0 1 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1 8 0, इस तरह के नंबर को सबसे पहले जानिए कि इस तरह के नंबर को देखते ही हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अब एक चीज़ और ध्यान देखिएगा, उस नंबर के पीछे तीन डॉट लगा होना चाहिए। ऐसा कोई सिर्फ लिख दे और पीछे डॉट ना लगाए तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि वो थ्री डॉट्स का मतलब हो गया कि ये नंबर जहाँ लाइफ टाइम चल रहा है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इस डॉट को हटा दिया तो समझ लेना कि इस डेसिमल को हटा के इतना जीरो हम इसके नीचे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा। लेकिन थ्री डॉट जब नहीं लिखेगा तो समझ लीजिएगा कि वो रैशनल है। थ्री डॉट लिख दिया इस तरह के नंबर में तो क्या हो जाएगा, इरेशनल है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल दे दे रहे हैं, 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1। देख रहे हैं ये नंबर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। बताइए तो कब खत्म होगा, कोई बता सकता है, नहीं पता है। तो इस तरह का नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल। जैसे 0.1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 4 0। तो बताओ इस तरह का नंबर को कभी ख़त्म नहीं होता। इस तरह के नंबर को हम लोग क्या, पहला चीज़ समझने के लिए टर्मिनेटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। सेकंड, रूट एम, एम क्या है, एम जो है एक पॉजिटिव नंबर है। एम क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एम। पहला चीज, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, वेयर एम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरा पॉइंट, वेयर एम इज पॉजिटिव नंबर।
मतलब m जो है परफेक्ट स्क्वायर और m जो है पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये मतलब m इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है इसी में है, एंड ये क्या कह रहा है, वेयर m इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड वेयर m इज पॉजिटिव नंबर। जैसे एग्जांपल देखो, ये रूट जो है रूट टू, ये टू तो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये बताओ कि टू जो है परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल, कैसा हो जाएगा, इरेशनल। अब देखो रूट थ्री, रूट थ्री भी क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब वही बोल दे रूट फोर, तो ये क्या है, रूट फोर का क्या वैल्यू होता है, टू, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। रूट फोर को मत कह दीजिएगा कि इरेशनल है, रूट फोर जो है क्या है, रैशनल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख रहा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें क्या चाहिए, परफेक्ट, हमें क्या चाहिए, नॉट परफेक्ट, ये नॉट परफेक्ट है, ये नॉट परफेक्ट है, ये क्या है, परफेक्ट है, इसलिए क्या है, रैशनल है, ये सब तीनों क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा चीज, क्यूब रूट में क्या है, मतलब वेयर, इसको भी ध्यान में रखिए, एम इज नॉट परफेक्ट क्यूब, एम जो है परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, एंड एम इज पॉजिटिव नंबर, एम इज पॉजिटिव नंबर। इसमें भी वही कह रहा है जैसे क्वेश्चन हमने दे दिया, बताओ ये बताओ, ये रूट, ये क्या है, क्यूबिक रूट एट है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, टू है, तो ये क्या है, परफेक्ट है, इसका हम निकाल सकते हैं, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्या हो जाएगा, इरेशनल, और ये क्या हो जाएगा, रैशनल। परफेक्ट क्यूब जो क्यूब होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल रैशनल होता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नॉट परफेक्ट क्यूब, मतलब जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल। जैसे रूट नाइन, ये भी क्या है, इरेशनल है, क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक रूट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबिक रूट की बात कर रहे हैं, किसके, क्यूबिक रूट, तो क्यूबिक रूट में भी जो परफेक्ट क्यूब होगा तो वो रैशनल, वो क्या होगा, रैशनल होगा, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल है, इरेशनल है। और ये चौथा है जो हम लोग बहुत जानते हैं, पाई, क्या है, पाई, पाई इज इरेशनल नंबर, पाई क्या है, इरेशनल, इसको याद रख लीजिए, ये हम हमेशा एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज पाई, रैशनल, इरेशनल, पाई इज इरेशनल नंबर। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कौन रैशनल है, कौन इरेशनल।